ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. नाउ वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 8. सपोज पी ऑफ एन इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब एंड सो ऑन एन इंटू 2 रेस टू एन. ओके, इक्वल्स टू एन माइनस 1 2 रेस टू एन प्लस 1 प्लस 2. एन बिलोंग्स टू एन. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट एन इक्वल्स टू 1. सो एल एच एस इक्वल्स टू 1 इंटू 2 2. आर एच एस इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0. सो अगेन 2. देयर फोर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस. देयर फोर पी ऑफ 1 इज ट्रू. नाउ सपोज पी ऑफ के इज ट्रू. सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब एंड सो ऑन के इंटू 2 रेस टू के इक्वल्स टू के माइनस 1 2 रेस टू के प्लस 1 प्लस 2. इक्वेशन 1. नाउ पुट एन इक्वल्स टू के प्लस 1. ओके, सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 क्यूब एंड सो ऑन k प्लस 1 इंटू 2 रेस टू के प्लस 1 इक्वल्स टू पुट हियर k प्लस 1 माइनस 1 मीन्स k 2 रेस टू k प्लस 1 प्लस 1 मीन्स k प्लस 2 प्लस 2. ओके, कंप्लीट. वी हैव टू प्रूफ दिस. So LHS equals to 1 into 2, 2 into 2 square, 3 into 2 cube and so on k plus 1 2 raised to k plus 1. Okay, चलिए इसके आगे की टर्म कौन सी होगी. इक्वेशन 1, k into 2 raised to k. 1 into 2, 2 into 2 square, 3 into 2 cube and so on k into 2 raised to k plus k प्लस 1 2 रेस टू के प्लस 1. सो इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या होगी. हमारे पास इक्वेशन 1 में गिवन है k माइनस 1 2 रेस टू k प्लस 1 प्लस 2 और यहाँ की लास्ट टर्म हमारी रिमेनिंग k प्लस 1 2 रेस टू k प्लस 1. ठीक है, तो चलिए देखिए तीन टर्म है हमारे पास. तीन में से दो टर्म में कॉमन क्या है, 2 रेस टू k प्लस 1. ओके, तो हम 2 रेस टू के प्लस 1 फर्स्ट और लास्ट टर्म, इन दो टर्म में से हम 2 रेस टू के प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं. रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास, k माइनस 1 प्लस के प्लस 1 प्लस 2. 2 रेस टू के प्लस 1 के प्लस के 2 के प्लस 2 1 1 कैंसल. ओके, सो नाउ लुक एट हियर 2's पावर 1. सो 2 रेस टू के प्लस 1 प्लस 1 इंटू के प्लस 2. देयर फोर के इंटू 2 रेस टू के प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू आर एच एस. गॉट इट. देयर फोर पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू. देयर फोर पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ के इज ट्रू इम्प्लाइज पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू. डन. Now question number 9th. Suppose P of n 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 8 and so on 1 upon 2 raised to n equals to 1 minus 1 upon 2 raised to n. Okay, put n equals to 1. So LHS equals to 1 by 2. RHS equals to 1 minus 1 by 2. So 1 by 2. LHS RHS equal. Therefore, P of 1 is true. Okay. Now suppose P of K is true. Therefore, 1 by 2 plus 1 upon 4 प्लस 1 अपॉन 8 एंड सो ऑन 1 अपॉन 2 रेस टू के इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू के. दिस इज अ इक्वेशन 1, राइट. नाउ थर्ड स्टेप, पुट n इक्वल्स टू
k plus 1. Okay, so come on, we put it 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 and so on, 1 upon 2 raised to k plus 1 equals to 1 minus 1 upon 2 raised to k plus 1. ये हमें प्रूफ करना है. ओके, सो लेट्स वी स्टार्टेड LHS. Therefore, LHS equals to 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 plus so on 1 upon 2 raised to k plus 1. ठीक है, लास्ट टर्म के आगे वाली टर्म हमारी कौन सी होगी? अगेन इक्वेशन 1 में जो है 1 अपॉन 2 रेज टू के. ओके, सो पुट एन हियर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 एंड सो ऑन 1 अपॉन 2 रेज टू के. लास्ट टर्म 1 अपॉन 2 रेज टू के प्लस 1. चलिए, इसकी वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन 1 में. क्या गिवन है? 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू के प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू के प्लस 1 बिकॉज बाय इक्वेशन 1. गॉट इट? 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू के प्लस 1 अपॉन, इसे हम स्प्लिट कर देंगे 2 रेज टू के इंटू 2 रेज टू 1. ओके, स्प्लिट कर दिया हमने 1 माइनस, चलिए इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकल रहा है? 2 रेज टू के. सो रिमेनिंग 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू के, 2 माइनस 1, 1 अपॉन 2. ओके, वेरिएबल सेम है, ठीक है, तो पावर में क्या होता है? एडिशन. अगर वेरिएबल सेम हो तो डिग्री मीन्स एक्सपोनेंट में पावर में एडिशन होगा, मीन्स के प्लस 1 इक्वल्स टू RHS. देयरफॉर P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. देयरफॉर P ऑफ 1 एंड P ऑफ k इज ट्रू इम्प्लाइज P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. ओके, गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 10. P ऑफ n इन 1 अपॉन 2 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 11 एंड सो ऑन 1 अपॉन 3n माइनस 1, 3n प्लस 2 इक्वल्स टू n अपॉन 6n प्लस 4. पुट n इक्वल्स टू 1. सो LHS इक्वल्स टू 1 अपॉन 10. नाउ RHS, RHS क्या होगा हमारा? 1 अपॉन 6 प्लस 4, 10. देयरफॉर P ऑफ 1 इज ट्रू. गॉट इट? नाउ सपोज P ऑफ k इज ट्रू. 1 अपॉन 2 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 8 एंड सो ऑन 1 अपॉन 3k माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 इक्वल्स टू k अपॉन 6k प्लस 4 इक्वेशन 1. नाउ पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1. सो 1 अपॉन 2 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 8 एंड सो ऑन 1 अपॉन k प्लस 1 मीन्स 3k प्लस 3 माइनस 1. इट मीन्स देखिए इस तरह से कर रहे हैं हम, 3n माइनस 1 है, n की जगह पे हम k प्लस 1 पुट ऑन कर रहे हैं. इट मीन्स 3k प्लस 3 माइनस 1 दैट मीन्स 3k प्लस 2. 3k प्लस 2, उसी तरह से यहाँ पे भी हम k प्लस 1 रखेंगे तो 3k प्लस 3 प्लस 2 मीन्स 3k प्लस 5. ओके, यहाँ पे भी k प्लस 1 और 6k प्लस 6 मीन्स इट मीन्स 6k प्लस 10. ये हमें प्रूफ करना है. ओके, सो लेट्स वी स्टार्टेड LHS. 1 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 8 एंड सो ऑन 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5. गॉट इट? चलिए अब इसके आगे की टर्म क्या होगी? एज इट इज़
देखिए सारे सम्स सिमिलर ही है, सब में एक ही पैटर्न हमें यूज़ करनी है। ओके, इक्वेशन वन की जो टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म वही इसके आगे की टर्म होगी, 1/2 × 5, 1/5 × 8 एंड सो ऑन, 1/3k-1, 3k+2 इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस 1/3k+2, 3k+5 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा इसमें? चलिए इक्वेशन वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, k/6k+4 प्लस 1/3k+2, 3k+5 बिकॉज बाय इक्वेशन वन। ओके, के अपॉन टू कॉमन निकालेंगे हम, 3k+2 प्लस 1/3k+2, 3k+5 टेक एन एलसीएम, एलसीएम क्या मिलेगा हमें इसमें, 2 × 3k+2 × 3k+5। ओके, एलसीएम हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2 × 3k+2, 3k+5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा k × 3k+5+2 मल्टीप्लाई 3k² + 5k+2 अपॉन 2 × 3k+2, 3k+5 डन। नाउ फैक्टराइजेशन, 3 × 2 = 6, मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए, एडिशन 5 आना चाहिए, 3k² + 3k + 2k+5 अपॉन 2 × 3k+2, 3k+5। ओके, चलिए यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा हमारा, 3 × 2 = 6, ओके यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 3k कॉमन, सो k+1 प्लस 2 कॉमन, सो k+1 अपॉन 2 × 3k+2, 3k+5 पूरे टर्म में से कॉमन क्या होगा, k+1, 3k+2 अपॉन 2 × 3k+2, 3k+5, 3k+2, 3k+2 विल बी कैंसल, सो आंसर इज k+1, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6k+10 इक्वल्स टू RHS, राइट। देयरफॉर वही लाना था हमें, k+1/6k+10, देयरफॉर P(k+1) इज ट्रू, देयरफॉर P(1) एंड P(k) इज ट्रू implies P(k+1) is true। ओके, आ गया समझ में? चलिए, थैंक यू।